मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज का कौन कौन से हमें डिजीज हो सकते हैं, जैसे कि डायरिया है, असरकोलाइटिस है एंड पोलन से संबंधित कोई डिजीज है, इन सभी के बारे में हम देखें। सबसे पहले हम देखते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज के बारे में इंट्रोडक्शन। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज जो है मोस्ट कॉमन होती है इन चाइल्ड, इन बच्चों में ये मोस्ट प्रॉब्लम होती है इन चाइल्डहुड अंडर द 5 ईयर्स, यानी 0 to 5 ईयर्स जो बच्चे हैं उनमें ये मोस्ट कॉमन होती है। गैस्ट्रो एक इंटरसेंट्रिक ट्रैक होता है, ट्रैक बाउंड टू एनस विद द इंक्लूड ऑफ द ऑल ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्ट सिस्टम ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जो कि माउस से एनस तक होता है, उसमें इंक्लूड होते हैं ऑर्गन्स जो डाइजेस्ट सिस्टम से रिलेट होते हैं, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन्स है, इसोफेगस है, लार्ज इंटेस्टाइन है एंड एनस है, जो कि एनिमल्स में एंड ह्यूमन्स दोनों में सेम होते हैं। जिनका जो कार्य होता है, यानी डाइजेस्ट सिस्टम ऑर्गन्स है उनका कार्य होता है, जो कि जब भी हम कुछ भोजन लेते हैं तो उसमें से जो पौष्टिक आहार यानी जो हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद होते हैं उनको ये एब्जॉर्ब करते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं उनको ये निष्कासित कर देते हैं। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के द्वारा जब भोजन लिया जाता है तो डाइजेस्ट सिस्टम का ये रोल होता है। देन नेक्स्ट इसमें आता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो डिजीज है वह रिलेटेड होती है सम प्रॉब्लम्स होती है, जिसमें जैसे कि वॉमिटिंग से डायरिया है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन से एनोरेक्सिया है एंड क्रैम्प्स है। तो ये सभी जो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज में ये सिम्टम्स होते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं किसी डिजीज को। और जब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज है या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज को डायग्नोस करने के लिए हमें कुछ डायग्नोस्टिक मेथड भी होते हैं, जैसे कि स्टूल एग्जामिनेशन है, एंडोस्कोपी है, बेरियम एनीमा है, बेरियम लीम्स हो, इसके द्वारा हम इस पैकेज से जो एपोटिस है या IBD इंफ्लामेटरी बोल डिजीज संबंधित हुई है उनके द्वारा हम डायग्नोस कर सकते हैं आसानी से, या माइक्रोस्कोपी है एंड एक्सरे है, एक्सरे टेस्ट है, यूसीजी है एंड MRI CT स्कैन, जो अदर यूजिंग डायग्नोस्टिक हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज में यूज करते हैं। तो सबसे पहले गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज में हम लेते हैं डायरिया, जो कि मोस्ट डायरिया जो मोस्ट कॉमन होती है इन चाइल्डहुड में, जो कि 0 to 5 ईयर्स के बच्चे हैं मोस्ट, बाकी वे सभी उम्र में भी इफेक्ट कर रही है। तो पहले लेते हैं डायरिया। डायरिया इज द टॉप थ्री रैंक चाइल्डहुड है, यानी डायरिया को इंजीन है उसको टॉप थ्री रैंक रहता है जो बच्चों के मृत्यु कारण होते हैं। देन नेक्स्ट इसमें एक डायरेक्ट द चाइल्ड अबाउट द सफर फ्रॉम 12 episodes ऑफ डायरिया एंड 4 episodes सच एपिसोड ऑफ डायरिया। डायरिया इन फर्स्ट लाइफ ऑफ ईयर एंड जो फर्स्ट ईयर की लाइफ होती है उसमें 4 episodes ऑफ डायरिया की कंडीशन उनको देखने को मिलती है। अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ डायरिया। डेफिनेशन ऑफ डायरिया क्या है? पार्ट ऑफ
फिर एंड वाटर मोर देन थ्री टाइम्स ऑफ यानी दिन में तीन से ज़्यादा लूज यानी लिक्विड एंड वाटर स्कूल का होना डायरिया को पिलाता है। इस कंडीशन को हम डायरिया कहते हैं। अब देखते हैं एपिडेमोलॉजी ऑफ डायरिया। एपिडेमोलॉजी डायरिया क्या है? डायरिया जो डिजीज है वह एक मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर जो लीड करता है मोर्टिलिटी को। एंड जब हॉस्पिटल में वन थर्ड यानी अगर हॉस्पिटल में वन थर्ड जो चाइल्ड डेथ होती है उसमें 70% बच्चों की डेथ का रीजन होता है डायरिया। एंड 2004 के अगर रेशियो माने रेशियो के अनुसार अगर उसमें 2.5 मिलियन बच्चे डायरिया से ग्रसित थे उसमें से 1.5 मिलियन जो बच्चों की डेथ डायरिया के कारण हुई। एंड 2011 मिलियन जो 7 मिलियन जो बच्चों की डेथ डायरेक्ट आ रही थी 2011 के अनुसार। ये है एपिडेमोलॉजी ऑफ डायरिया। नेक्स्ट देखते हैं कोज। कौन कौन से कोज होते हैं डायरिया के लिए? पहला होता है एजेंट फैक्टर। सेकेंड है इन्फेक्शन से संबंधित जो फैक्टर होते हैं। थर्ड नॉन इन्फेक्शन इन्फेक्शन फैक्टर। तो ये एजेंट फैक्टर थे। पहला है वायरस जैसे कि रोटा वायरस है पोलियो वायरस है। इसमें वायरस बैक्टीरिया पैरासाइट एंड फंगल। तो वायरस में पहला वायरस में रोटा वायरस है पोलियो वायरस है इंटरो वायरस है बैक्टीरिया है जैसे ये कुलाई है सिजिला है कोलेरा वाइको है देन पैरासाइट है मलेरिया है एंड मलेरिया है का है तो फंगल में कैंडिडा एंड कैंसर। तो ये एजेंट फैक्टर है डायरिया से। नेक्स्ट है इन्फेक्शन फैक्टर जैसे कि रेस्पिरेटरी डिजीज संबंधित कोई है या जैसे कि आपकी ये टोन्सिलाइटिस है ओटाइटिस मीडिया है फेरिंजाइटिस है जो भी रेस्पिरेटरी संबंधित इन्फेक्शन डिजीज है उनके कारण डायरिया कंडीशन डेवलप हो सकती है। या नॉन रेस्पिरेशन डिजीज जैसे कि IBD है ये नॉन डिजीज है वेल ऑप्शन सिंड्रोम है एंड कॉन्जेनिटल एलोमिज है DI यानी कुछ जन्मजात प्रॉब्लम्स जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल संबंधित होती है। तो ये नॉन इन्फेक्शन जो रीजन है ये फैक्टर है। तीसरा तीसरा भी फैक्टर जैसे कि गली तालाब के कारण से जो बैक्टीरिया डेवलप होते हैं उनके कारण से ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। फोर्थ है होस्ट फैक्टर जैसे कि होस्ट फैक्टर में लैक ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी एंड कॉन्टामिनेटेड फूड है जैसे खाने से डायरेक्ट स्पीड थ्रो चाइल्ड हैंड्स आर्टिफिशियल फीडिंग जैसे कि पीपल से जो आर्टिफिशियल फीडिंग्स होती है बोतल के द्वारा बच्चों को फीडिंग कराने से अकॉर्डिंग भी डायरिया कंडीशन डेवलप हो सकती है। पर्सनल हाइजीन से इनएडिक्वेट फूड हाइजीन से इनकरेक्ट फीडिंग है और सोशल इकोनॉमी है इन्वायरमेंट फैक्टर्स में जैसे कि
अगर डायरी कंडीशन बैक्टीरिया है जो कि ये मोस्ट प्रॉब्ली रेनी सीजन या विंटर सीजन में ज़्यादा डेवलप होते हैं, इसमें काफ़ी सी ये कंडीशन डेवलप होती है। मोटो ट्रांसमिशन क्या होता है, फिक्टोरोल के द्वारा ये मोटो ट्रांसमिशन कंडीशन डेवलप होती है। देन इट इज़ अ वाटर बॉर्न फ्लू बॉर्न डिजीज, मेनी ट्रांसमिटर बढ़िया फिंगर कॉमेट्स और जो अदर ट्रांसमिटर जिस फिंगर के द्वारा भी ये फैल सकती है। तो ये हो गए एजेंट कैरेक्टर्स में, पहले है एजेंट कैरेक्टर्स, इन्फेक्शन फैक्टर्स, नॉन इन्फेक्शन, रिसर्चियर फैक्टर, वॉस फैक्टर, मोनो फैक्टर एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। और देखते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ डायरिया। टाइप्स ऑफ डायरिया में टाइप्स में पहला है कंडीशन है, पहला है सेकेंडरी ट्रैक। सेकेंडरी ट्रैक में क्या होता है, इट इज कॉज बाय एक्सटर्नल एंड इंटरनल सीक्रेटो हो गई, यानी जो कोलेरा है टॉक्सिन लैक्टेट डेफिशिएंसी के कारण से कंडीशन डेवलप होती है। दूसरा है ऑस्मोटिक डायरिया, ये कंडीशन इट इज ड्यू इंजेक्शन ऑफ पोअरली एब्जॉर्ब सॉल्यूट जैसे एल्कोहल है या सॉर्बिटोल है और इंडिजेशन ऑफ स्मॉल बोरो डिफेक्ट, यानी स्मॉल बोरो डिफेक्ट के कारण भी ये कंडीशन डेवलप होती है। तीसरा है यानी दिस इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज द लिनेट मोटिलिटी ऑफ द बोन, यानी मोटिलिटी बोन बनने का कारण भी कंडीशन डेवलप होती है। तो ये हो गया आपसे टाइप्स ऑफ डायरिया। देन देखते हैं सिम्टम ऑफ या मैनिफेस्टेशन ऑफ डायरिया। सिम्टम्स पहले है लूज मोशन में होती हैं, देन अपन क्रैम्प्स है एंड वोमिटिंग से है, अगर पेन है, नोजिया है, एनोरेक्सिया है एंड फिजिकल जो एग्जाम हम करें तो उसमें क्या होता है कि डीएडएस कंडीशन, यानी जो स्किन टर्कर है वो काफ़ी लो होते हैं और जो ड्राई लिप्स है, ड्राई बॉडी है, डीएडएस वाली कंडीशन डेवलप हो जाती है। देन लेते हैं हम इसमें डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में जैसे कि सबसे पहले स्टूल एग्जामेशन, देन अदर इन्वेस्टिगेशन में जैसे कि सी बी हेड या एक्सरे एंड कोई एबोटिस को देखने के लिए, देन नेक्स्ट में जैसे ई एस आर भी है या इलेक्ट्रोल इम्बेलेंस की जो है इन्वेस्टिगेशन हम डायग्नोस्टिक द्वारा हम डायरेक्ट जो कोचिंग फैक्टर है उसको हम डायग्नोस कर सकते हैं। देन नेक्स्ट अटैम्प्ट में मैनेजमेंट में हम पहले लेते हैं फर्स्ट ओ आर एस, जो है डीएनएस कंडीशन को प्रिवेंट करता है और डीएनएस कंडीशन की ओर बढ़ जाता है और जो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट कमी है उसको हम ये इग्नोर करता है, जिसके कारण डायलिसिस और इसको भी दिया जाता है। देन नेक्स्ट होता है कि किडनी को इम्प्रूव किया जाता है, अगर लो किडनी है तो उसको इंजरी कमी जाती है और जो लो फैटी डाइट होती है वो बच्चे के लिए इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट में सिम्टोमेटिक जैसे कि अगर वोमिटिंग है तो वोमिटिंग के हिसाब से ट्रीटमेंट, अगर पेन है तो पेन के हिसाब से, अगर अलग मोजी है कंडीशन है तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इवन द डायरिया। कीमोथेरेपी जैसे कि एंटीबायोटिक्स है जो सीवियर डायरिया कंडीशन जैसे कि है उनमें बैक्टीरिया को मारने के लिए जैसे कि एम्पिसिलिन है, एलोक्सिन है, मोफ्लोक्सिन है, सिप्रोफ्लोक्सिन है जैसे कि एम्पिसिलिन, मोफ्लोक्सिन
प्रॉपर ऑक्सीजन है, ये सभी एंटीबायोटिक्स में दी जाती है डायबिटीज को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट देखें इसमें इम्पोर्टेंट हो गया थर्ड आप लेते हैं उसमें डाइट डायरी मिलिंग में हाई डाइट एनर्जी डाइट को दिया जाता है जो जो फूड रिच फैट्स लीवर है हाई जो फाइबर डाइट होती है उसको अवॉइड किया जाता है। एंड जैसे कि फूड आइटम जैसे कि रिच फूड जैसे कि राइस पोटैटो व्हीट पल्स वेजिटेबल ऑयल्स एंड फिश मीट एंड प्रिवेंट द मैलन्यूट्रिशन कंडीशन को प्रिवेंट किया जाता है, नॉर्मल न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को दिया जाता है। देन जो हेल्थिंग मेजर है उसको भी हमें ध्यान रखते हुए जैसे कि न्यूनेट्स इन्फेंट्स को आर्टिफिशियल फीडिंग नहीं करवानी है डायबिटीज के अंदर, इसके कारण से हम ये हेल्थिंग मेजर्स है हम इसको ध्यान रखते हैं। तो ये डायबिटीज मैनेजमेंट है यानी कि मैनेजमेंट चाहिए। नेक्स्ट सजेशन डायरिया है कंप्लीट टॉपिक। देन नेक्स्ट टॉपिक टुमारो। थैंक यू।